वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में जब हम लाइव शोज पिछला कुछ अरसा आपके लिए नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया, उसमें जो सबसे ज्यादा चीज मैं मिस किया करता था वो कुछ सेगमेंट्स थे। कुछ सेगमेंट्स तो है ना चूंकि ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिनका बिल्कुल आपको सेगमेंट होस्ट की प्रॉक्सिमिटी में बैठ के उसको लाइव उसकी बातें सुनने का लुत्फ आता है। और उसमें सिर्फ बातें नहीं होती, उसमें अच्छा सा गिटार भी होता है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, दूर से ब्लूटूथ हाई फाइव, सलाम तो कर नहीं सकते। दूर से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नताशा? थैंक गॉड, गुड गुड। तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? बहुत ज्यादा। हाँ, वेरी गुड। और झूठ बोलो। इतना मिस किया कि मैं रात को सो नहीं सकती थी, मैं सुबह जागती थी तो परेशान होती थी कि मैं कब जाऊंगी पीटीवी। फाइनली हो गया। क्या हाल है? गुड गुड। लॉकडाउन क्वारंटीन बहुत कुछ सीखने को मिला। पाकिस्तान के म्यूजिशियंस तो ऑन थे, उनको फाइनली मिल गई थी ऑडियंस जो सुनने को तैयार थी घर पे बैठी हुई फोनों पे। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस ने बहुत सारा म्यूजिक निकाला, मैं भी उनमें से एक थी। तो तुम्हारे बेंच ने तो जनाब धमाके कर दिए है ना, हर तरफ माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त ट्रैक है। आज तो नहीं शायद हमारे पास टाइम होगा, लेकिन किसी दिन उसको सुनना है। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। बेंच की बाय द वे ऑनलाइन प्रीमियर हो रहा है 7th या 8th को। ग्रेट, ग्रेट। तो बेंच की वो शॉर्ट फिल्म है जिसने न्यूयॉर्क में अवार्ड हासिल किया, पूरी दुनिया में उसके का बड़ा नाम है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त उस्मान मुख्तार ने उसको लिखा और डायरेक्ट किया है, नताशा ने उसका म्यूजिक दिया है और इनका गाना बड़ा उसमें जबरदस्त जा रहा है। तो प्राइड मोमेंट फॉर द फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान, हमारे मीडिया के सब कॉलीग्स के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है। अच्छा जी, मैंने कहा जरा बता दूं, लोग कहेंगे बेंच के ये तो सोफों पे बैठे हैं। अच्छा जी, आज का क्या है सीन? आज का सीन ये है सर कि मैंने सोचा कि हमारे नाजरीन के लिए क्यों ना वो थोड़ी मैं कलेक्शन कर लूं म्यूजिक की जो क्वारंटीन में निकली है, जो लॉकडाउन में निकली है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस थे जो कुछ ने वीडियोस बनाई, कुछ ने एनिमेटेड वीडियोस बनाई, कुछ ने सिर्फ लिरिक वीडियोस बनाई, और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम लाइव बहुत किया और उसके थ्रू बहुत सारा म्यूजिक किया। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत सब कुछ दिखा दे ताकि अपडेट हो जाए सारे। बिल्कुल ठीक है, तो कहां से शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज आई रे बाय हनिया असलम। आई रे हनिया असलम प्ले करें जी। हर एक सफर मेरा शुरू हुआ इश्क से ही हुआ, किसी की रूह ने मेरी रूह को है सुदाती, मिली जो राह तो कभी है मध्यम, कभी है तूफान और कभी अंधी आ रहा। बिल्कुल। और ये वो दिस वाज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसपे मुझे तो लग रहा था कि इस पे पूरा प्ले बनना चाहिए, ये म्यूजिकल का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी है इस गाने में। इस गाने के अंदर कहानी और इसकी जो जो वीडियो बनी हुई है वो एक ईस्टर्न यूरोपियन एनिमेटर ने बनाई, आई थिंक पोलैंड से उनका ताल्लुक है या रोमानिया। जी बिल्कुल। और क्या पूरा पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस है इस वीडियो को देखकर। और उन्होंने एक्चुअली आर्काइवल फुटेज यूज की है, पाकिस्तानी और यूरोपियन इन द वीडियो, और सारी एनिमेट की है। बेसिकली इनको आई थिंक डेढ़ महीना लगा था ये करने में, डेढ़ दो महीने लगे थे, बट आई थिंक वक्त बेस्ट था क्वारंटीन का उसको निकालने के लिए। और हनिया हैज बीन वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो चाहती थी कि उसका एक बेस्ट इमेज निकले, और आई थिंक बहुत ही कोई खूब काम किया उन्होंने, बहुत मजे का खूबसूरत। बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या क्या हुआ इस दौरान? और इस दौरान ये हुआ कि कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिन जो मोर क्लासिकल नौयत का म्यूजिक निकालते हैं, मोर फ्यूजन नौयत का म्यूजिक निकालते हैं, उनका एक्चुअली नई बैंड बनी है। अच्छा। जिसके अंदर मोहम्मद एजाज साहब हैं और कुछ लाहौरी म्यूजिशियंस हैं, वलीद इज ऑन बेस, सम अमेजिंग म्यूजिशियंस, और उनका नाम है अमेजिश, विच इज उर्दू फॉर शबी मिलना, या उस मैं समझती थी अमेजिंग से निकला है,
लेकिन वो असल में आमेजिश 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 छबी या किसी चीज की छबी होने या किसी चीज का फ्यूजन करना यस मिलना मिलना किसी चीज का दो चीजों की आमेजिश अच्छा ये वो वाला आमेजिश ब्यूटीफुल वर्ड तो गाने का नाम है ललित आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन अ राग तो चल के सुनते हैं जो भी हमारे ज्यादा क्लासिकल व्यूअर्स हैं उनके लिए कानन कुंडन गल बिज से 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 सर जैसे कि आप देख सकते हैं वो फंक ड्रम्स और फंक बेस के साथ उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सबकॉन्टिनेंट ईस्टर्न राग चल रहा है तो आई बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए जब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तानी कल्चर और हेरिटेज को इस तरह मिक्स करके वो लगता है ऐसे कि वो इट वॉज ऑलवेज बिलोंग्ड टू बी लाइक दिस इसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नेक्स्ट रिलीज के लिए सर ये नेक्स्ट गाना है बाय साजिद और ज़ीशान जो कि शायद आप जानते थे दे उनके इतने वन ऑफ माय फेवरेट्स लेकिन ये गायब हो जाते हैं अजीब हाइबरनेट कर जाते हैं गुम exactly, जाते हैं ज़ीशान सर जो हैं वो चले गए थे कनाडा थोड़ी सी अपनी परसूट ऑफ करियर के लिए वो अभी रिसेंटली वापस आए वो हमेशा से शुरू करना चाहते थे अगेन साजिद एंड ज़ीशान लेकिन थोड़ा सा ब्रेक आ गया था बस जिंदगी हो जाती है सब किसी ना किसी को तो हो ही जाती है ना सर जिंदगी लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और साजिद और वो दोबारा से म्यूजिक बना रहे हैं उनकी नई एल्बम निकली है तो आई थिंक उनके गाने की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लाइटन अप इट्स द ओनली इंग्लिश सॉन्ग फ्रॉम टुडेज लिस्ट ओके ग्रेट लाइटन अप बाय साजिद एंड ज़ीशान And as a mindset leads to a similar theme Makes you wonder why won't things ever change Learn to accept and move on You can follow the signs Cause sooner or later Slip out, but so does time. Lighten up, find your tune, and then you raise the bass and join your own beat. Blasting space, swing within to your sound. Stay within, it has set you free. Electronica. हो गया जी ओल्ड स्कूल हो गया क्या बात है ना मुझे ऐसे लग रहा था मैं 1970s के अंदर घूम गया हूं और कोई एबा टाइप गाना यही मजा है उनका एंड फील गुड म्यूजिक लिरिक्स भी अच्छे हैं आपको बस होप देने के लिए अच्छा वो फॉन्ट कितना मजे का था फॉन्ट कितना पॉजिटिव फॉन्ट मुझे ढूंढना है कौन सा फॉन्ट है मैं अपनी अपनी सारी टाइटलिंग मैं उस फॉन्ट से करूंगी अब अब सर चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट सॉन्ग जो कि एक्चुअली इंस्टाग्राम लाइव आप भी बहुत करते रहे हैं मैं भी बहुत करती रही हूँ एक जो सुपरस्टार निकला है क्वारंटीन में वो है डीनो अली सर एवरीबॉडी नोज डीनो अली लेकिन क्या क्वारंटीन शुरू हुई है क्या उनकी कवर्स शुरू हुए हैं क्या उन्होंने बस गाने के और बाद पूरी गाने दुनिया के बाद से तुम्हारे जैसे उसने आर्टिस्ट को चुनना शुरू किया है exactly. और वो कॉम्बोज इतने मजे के बनते थे exactly. कि मैं जब देखता था मैं कहता था हाँ ये वाला सबसे अच्छा है फिर अगला आ जाता था फिर कोई और सर आपने प्लीज एक रिक्वेस्ट करनी है डीनो से लाइव कि अब अपने गाने रिलीज करना शुरू करें डीनो किधर हो तुम कौन से कैमरे पे हो इधर हो यू वर ग्रेट डीनो मैंने बहुत तुम्हें फॉलो किया और बहुत मजा आया लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही नताशा अपने ओरिजिनल्स रिलीज करने शुरू कर दो मैंने कह दिया थैंक यू उनके बेसिकली उन्होंने किया था नताशा बेग को तो जानते ही होंगे सारे उनके साथ उन्होंने किया था तेरे इश्क में जो भी तो मैंने कहा वो सुनना तो बनता ही बनता बस ठीक है चैलेंज गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में
भी सकता कि राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन और वोकलिस्ट नताशा हमारा एजाज हो और हम कुछ लाइव उनसे ना सुने। जिसने अब बाल भी लंबे कर लिए तो हेयर फ्लिप भी पॉसिबल है। थैंक यू सर। लास्ट गाने के लिए मैं सोची थी सरमद गफूर, जिन्होंने इस शो का टाइटल म्यूजिक भी किया है। Absolutely. उनका गाना निकला था लेकिन उनकी लिरिक वीडियो थी जो हम फीचर नहीं कर सके, तो मैंने सीख लिया। अच्छा, रात को जबरदस्त। तो मैंने कहा आज आपको वो सुना दूं। दिस इज कॉल्ड अजनबी बाय सरमद गफूर। जो भी था तेरे मेरे दर में आ, वो है बह चुका मेरे आंसुओं में। तुम और मैं अब कुछ नहीं, तुम और मैं जैसे मिलने से पहले। अब कुछ नहीं कुछ नहीं, हम अजनबी, अब अजनबी, हम कुछ नहीं कुछ नहीं, हम अजनबी। पूरा गाना सुनना जरूरी है। फुल डांस ट्रैक बनाया है सरमद गफूर ने। फुल ऑन डांस ट्रैक बनाया है। नताशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। वी रियली मिस्ड यू। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। हम चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान लेक्चर से ब्रेक ब्रेक से। जब वापस आएंगे तो रईस भाई हमारे साथ होंगे, रईस अहमद खान, जो के अवार्ड विनिंग लीडिंग हम सबके फेवरेट वायलिनिस्ट है। और आज इनसे कुछ हमने वायलिन बजाने की गोर और टेक्निक्स भी सुनी है, लेकिन आज नताशा वायलिन भी सुनेंगे, है ना? ये हो ही नहीं सकता कि रईस भाई वायलिन। ग्रेट। तो हम चल के लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी मिलते हैं, जल्दी से, परेशान नहीं हो।